गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा डे 7 या डे 8 है, याद नहीं है एक्चुअली हमें कि कौन सा हमारा दिन चल रहा है। और काफ़ी दिन बाद हमें धूप देखने को नसीब हो रही है। यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुआ, पर आसपास की पहाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका था पहले ही। और आज हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डोडा जा रहे हैं, और डोडा गर्म है थोड़ा, और हम चलेंगे वहाँ पे चिनाब के साथ साथ चलेंगे, चिनाब है वहाँ पे। और जो भी हमें काम करना है, घूमना है, वो हम चिनाब के साथ घूमते रहेंगे। और चिनाब बहुत गहरी है, बहुत गहरी है वो, और अच्छी लगती है मुझे वो। और ये हम पहुँच चुके हैं बतौत, और ये मैं तीसरी या चौथी बारी बतौत आ चुकी हूँ। ये है डोडा वाला रास्ता, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डोडा जाएंगे। डोडा यहाँ से 56 किलोमीटर है, उसके आगे भदरवा, फिर आएगा अपना किश्तवाड़। पर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम किश्तवाड़ तक जाएं, जाना तो था, पर देखते हैं कि डोडा में कितना टाइम लगता है। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और ये बस डोडा जा रही है, और हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है। पर फिर भी हमने एक असर वो टारगेट किया है, उसके आसपास जाएंगे, मतलब जहाँ तक मेरी गट फीलिंग है कि हमारा काम वहाँ पे बन जाएगा। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं डोडा जाके, और अभी हम लोग जाएंगे पत्नीटॉप वापस। ठीक है, बस कर दो। घूमने हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा एक और चक्कर लगा लेते हैं। कल हम इतना अच्छे से चक्कर नहीं लगा पाए, मौसम काफ़ी ख़राब था, तो फिर से। और हम खा रहे हैं ये पिंक कलर का ओलिव, वो भी बहुत टेस्टी है, और ये हर कहीं नहीं मिलता है। ये हम बहुत ही स्पेशल जगह से लेके आए हैं, और हम किसी को नहीं बताने वाले वो जगह, नहीं तो आप सब लोग वहाँ से लॉलीपॉप ले जाओगे और फिर हमें नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ही नहीं। पर हमने बहुत सारे खरीद लिए वैसे तो। अच्छी और इतनी यहाँ पे शांति है, मतलब चारों तरफ वाव, लंबे लंबे पेड़, और ये मतलब एकदम डेंस सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ की, और पॉपुलेशन भी अच्छी है। इतना अच्छा, सारे ठंडे ठंडे एरियाज के यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, और ये पेड़ इतने मोटे मोटे और इतने अच्छे अच्छे, और ये कटिंग भी जो रखी है इतनी प्यारी प्यारी सी, किसी वजह से काटा होगा इन्हें, अदरवाइज तो इन्हें काटना नहीं था शायद, ये गिर गए होंगे हवा से या थोड़ा कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसे ये भैया पुलिस में है, फिर हम ले भी जाते हैं, फिर आपको हमारे साथ चलने खरिया, इनके साथ चलने, बस उतर के आ जाओ, बस 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 हो गया, चलो चलो हो गया बस। अरे
ड्रम मत निकालो चुपचाप, चढ़ो ऊपर, मेरी वो हो रही खराब। यहाँ हो रहा है रोडीज का सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं क्या ये स्प्लिट्स विला के लायक है या फिर रोडीज के लायक है। अगर एक क्रॉस हुआ तो स्प्लिट्स विला, और अगर दो क्रॉस हुए तो रोडीज, और अगर एक भी क्रॉस नहीं हुआ तो पत्नी टॉप के लायक ही है। तुम वो भी तो नहीं कर पा रही हो ना, इस टाइम ना ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, पता है? तो दोस्तों हम लोगों का रिव्यू इस जगह के लिए ये रहेगा कि आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, है ना? यस। और ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है, इवन विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। कहाँ है वो भूम भूम करने वाला? ये रहा पंकज का पार्ट टाइम जॉब। यस। बहुत तेज की थोड़ी सी तेज, और चाय में मीठा तेज, क्योंकि हम मिर्च तेज तो खाएंगे ना। हाँ वो नहीं क्या? हाँ कल था वो। और ये पंकज के फालतू से सवाल शुरू हो रहे हैं, और ये प्याज अंदर चला गया, और अभी टमाटो चॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों आप ऐसे कभी भी टमाटो को चॉप मत करना, अदरवाइज आपकी दिहाड़ी कम कर दी जाएगी और निकाला भी जा सकता है, और आपको उसी टाइम जॉब से निकाला भी जा सकता है। Yes. और ये है हम लोगों की मैगी और चाय। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और कुछ तो है इस जगह पे, शुक्र आगे लाइट्स दिख रही है, मतलब वो पॉजिटिविटी है वहाँ पे, पॉजिटिव एरिया है। हम शायद नेगेटिव एरिया में चले गए थे, काफ़ी जान बची तो लाख हो पाए, लौट के दोबारा हम उधर कभी ना जाएं। और ये है पंकज जी, पंकज ने यहाँ पे नया बिजनेस शुरू कर दिया है कि जब तक मैं वापस जाऊँगा, मतलब मैं रात को यहाँ पे पूरा अपनी दिहाड़ी लगाऊँगा, पूरे पैसे वसूल करके जाऊँगा, जितना भी खर्चा हो रहा है, और वापस जाते जाते अमीर होते हुए जाना चाहता है यहाँ से। घर की हालत थोड़ी ख़राब है जैसा कि आप शक्ल से देख ही पा रहे हैं, घर की भी हालत हमारी तो ऐसे में ज़रूरी है कि पार्ट टाइम भी किया जाए, तो पार्ट टाइम शुरू हो रहा है अभी। तो हमने एक ढाबा खोला है यहाँ पे, आप एक ढाबा खोला है देख सकते हैं भैया क्या काम करने वाले हैं।
ये ओनर है, हम इनके पास दिहाड़ी करते हैं, हमें सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी करने, पर वो 300 रुपए भी इनफ है हम लोगों के लिए क्योंकि हमारी इनकम नहीं है। आज हमारा है 13वां दिन, तो 13th day पे आज हम लोगों की वापसी है यहाँ से, और इतने दिन तक स्नोफॉल नहीं हुआ, पर आज मौसम देख सकते हैं आप, प्रॉपर एकदम ना स्नोफॉल का बना हुआ है। डेली हमको लगता था कि आज हो जाएगी, पर थोड़ा धोखा जैसा मिला, पर अच्छा हुआ, अदरवाइज हम फंस जाने थे। और समय रहते हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बाकी आपको दिखाएंगे आगे आगे जाते जाते कैसा। ये है जम्मू की बस, ये है गोल चौक, यहाँ बस उतारती है और वहाँ ऑटो लगते हैं, और ये है सत्संग भवन। ये देखिए हमें क्या मिला, ये है ऋतिक की स्कूटी, और बेचारा ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया है, ऋतिक गुम हो चुका है, और अब हम यहीं उसका वेट करेंगे, और जैसे ही ऋतिक आएगा हम आपको दिखाएंगे कि वो अपनी एक्टिवा से कैसे घर जाता है। ऋतिक को बाय बाय बोलो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हुआ है, मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश भरा और ठंड एकदम कड़ाके की पड़ चुकी है, और हम जा रहे हैं खुद को सरप्राइज देने, और हमारा सरप्राइज ऊपर वेट कर रहा है। फाइनली हम उन सीढ़ियों पे पहुंच गए जो हमें अपने सरप्राइज तक पहुंचाएगा, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, वो हमारा सरप्राइज। ये हमारा सरप्राइज था PVR सिनेमास, और किसी पर यहाँ पे अभी मूवी नहीं चली है, तमिल मूवी चल रही है, तो हम लोग को देख के कोई फायदा नहीं है, समझ में ऐसे भी नहीं आना है, तो हो गया पोपट। कश्मीर से थे, श्रीनगर से थे एक्चुअली, जम्मू में भी उनका घर है, और वो आंटी बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरे को ये एप्पल दिया, ये एप्पल कश्मीर का एप्पल है, ऐसे वैसे एप्पल मेरा, और बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने हमें श्रीनगर बुलाया कि ज़रूर आना, और हमने उन्हें बोला कि आप हमारे घर पर ज़रूर आना, और बहुत अच्छे थे बेचारे, हमें जाने नहीं दे रहे थे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सड़क पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अंधेरा इस टाइम 9 बज गए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और इस तरह हम वापसी कर रहे हैं, और ये वॉल्वो बसेस यहाँ पर बहुत सारी लगी है, अब पता नहीं इनमें से हमारे वाली कौन सी होगी, यहाँ पे लोग पकड़ पकड़ के हमको बसेज में बिठा रहे थे, इसमें बैठिए इसमें बैठिए, मतलब बसेज तो छूट चुकी है पीछे, अब पता नहीं कौन से वाली गाड़ी होगी इनकी। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी गाड़ी आ चुकी है, नहीं जिंग बस ये नहीं है हमारी गाड़ी, ओह गॉड, दिल्ली आ गए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए। ये है हमारी बस कुछ इस तरह की है, हे भगवान ये तो ऐसी बस है, हे भगवान ये तो किसी ट्रेन से कम नहीं है, हमें तो इसमें भी बैठना नहीं आता है।
सी बस है, हम तो फंस गए। हमने सोचा था हमें कोई नॉर्मल साधारण सी बस मिलेगी, हमें तो इसमें बैठना भी नहीं आता। हम नहीं दो, हम इसके अंदर दो बैठे इसके अंदर दो बैठे आप देख सकते हैं यहाँ के हालात ऐसे इधर को हो जाओ या एक तरफ, ऐसे ऐसे हालात है, ऐसी ये बस है महाभारत के उसकी तरह, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माफ करना जम्मू वासियों, हम दोबारा नहीं आएंगे इस बस में, तो कभी नहीं आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूल्हे राजा रेडी हो रहे हैं सोने के लिए, और पहनी भी तो सॉक्स वाइट कलर की जा रही है पंकज जी। यस, अब उन्हें सोना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंकज कैसे बैठ रहा है मतलब हमें नहीं चाहिए, हमें क्या पता था कि स्लीपर क्या होता है। दूर जाओ तब तुम्हारी वीडियो अच्छी आएगी। हम अब आप अपने सुविचार रख सकते हैं सामने अपनी दुख हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्लीपर कैसी होती है। हम बाहर से इस बस को देख रहे थे तो थोड़े हमें लगा कि अच्छी होगी, ऊंची ऊंची है। फिर जैसे जैसे हम बस के करीब आते गए हमें अनुभव होता गया अंदर कुछ लोचा है, पर हम जब अंदर आए तब हमें एहसास हुआ कि लोचा नहीं, लोचे से भी बढ़ के है कुछ। मतलब ऐसा हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि बस ऐसी होगी, बट ये एक्सपीरियंस तो बढ़िया है। गद्दे अंदर लगे हुए नो डाउट अच्छा है सब कुछ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम नॉर्मल तकलीफों के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ में, हमें इतने अच्छे से गद्दों में नहीं जाना है, ऐसे भी नहीं जाना है। कितनी लंबी है, ऐसे हर एक जगह वो बने हैं खोपचे जैसे। हमें वैसे तो डर लग रहा है थोड़ा बहुत, बस हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसे खर्चे हमने 1500 रुपए पर पर्सन, भगवान इतने पैसे दिए 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपए इस चीज के लिए है भगवान। मतलब मुझे अकाउंट वालों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो मुझे पैसे वापस कर दे 1500, मतलब 1500 एक बंदे का क्या है इसमें, और इतनी सफोकेशन। और ऊपर से मैं 10 बारी टॉयलेट जा चुकी हूँ, 10 बारी 10-10 रुपए दिए हैं मैंने, 5 रुपए नहीं 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे, वो कौन देगा 10-10 रुपए। पंकज पे 100 रुपए की उधारी तो उसकी चल रही है मेरी, 1 रुपए उसके दिए वो भी कौन देगा, अकाउंट्स वालों मुझे 1-1 रुपए वापस चाहिए मेरा। हम कैसे जाएंगे घर, पैसे वापस दो। अब हमें टेंशन हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना कुछ खाया है ना पिया है, मतलब क्या है ये, क्या है ये, जब वासियों हमें ढंग की सुविधा है नहीं प्रोवाइड करवाई आप लोगों ने, क्या है ये, क्या है ये, कैसे हम जाए पहुंचेंगे चंडीगढ़। आपको पता नहीं चलता कि हम लोग शिमला से आए, हमारे वहाँ नहीं होती दी इतनी एडवांसमेंट, हम लोग पिछड़े हुए इलाके से, वहाँ पर नॉर्मल सी बसें चलती है, हमें नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, हमने इतनी एडवांसमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी, हमें बस नॉर्मल सी बस प्रोवाइड कर दो। अब हमारा गरीबी लेवल इतना बढ़ चुका है 1500 किराया देने के बाद हम कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे ढंग का, तो यही बचा है एक हमारी ज़िंदगी में बन, अब इसी को खाना पड़ेगा अभी, चाहे टेस्टी हो चाहे रूखा हो सूखा हो, चाय भी नहीं ले सकते अभी हम। ये देखिए गरीब आदमी कैसे खाता और उसी में खुशी ढूंढता है अपनी। हमारा सामान कुछ इस तरह से बैग पे बैग, और अभी ये कंबल वगैरह उड़े जा रहे हैं, और ये बाहर लोग हमें बचा लो, ऐसा लग रहा है कि हमारा आखिरी दिन है भगवान। लगता है हमें समय से लोगों को नोटिफिकेशन डाल देनी चाहिए कि हम आ रहे हैं, हम रास्ते में है कि हमें देख लेना, ऐसा ना हो हम पहुंचे ही ना। बोलो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने का नहीं खाया, जाते जाते पता नहीं चल रहा था कि हम लोग पहुँच कहाँ रहे हैं, पता तो अभी भी नहीं है कि कहाँ पहुँचे हैं, पर हम बाहर निकले हैं। और ये है हमारे रात के 12 बजे की कड़ी रोटी, और ये है पंकज साथ में फ्री
समझ नहीं आ रहा पंकज के साथ ये फ्री है या इसके साथ पंकज फ्री है। और ये पूरे 12 बजे का खाना है हमारा सर। हाँ, और ये है हमारे रात के 12 बजे की कड़ी रोटी, और ये है पंकज साथ में फ्री। समझ नहीं आ रहा पंकज के साथ ये फ्री है या इसके साथ पंकज फ्री है। और ये पूरे 12 बजे का खाना है हमारा सर। हाँ, के साथ हमारी जो है जर्नी खत्म हो रही है आज। हम लोग इतने जल्दी पहुंचना नहीं चाह रहे थे, लोगों ने तो हमें 2 घंटे और जल्दी पहुँचाया, 4 बजे पहुँचाया। हम उस दिन जब क्लियर हो रहे थे कि हमें 5 बजे क्यों पहुँचाया, हमें थोड़ा लेट पहुँचना था, तो यहाँ तो इन्होंने और भी जल्दी पहुँचा दिया है। पर चलो अब क्या करें, हम वेट ही कर सकते हैं हम आगे के लिए। और इसी के साथ जर्नी खत्म हो गई। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। ये हमारी वो बस है जिसने हमें ना जाने कहाँ सड़क पे छोड़ दिया है, और अब हमें खुद नहीं पता चल रहा हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। कभी सोचा नहीं था चंडीगढ़ में रोड क्रॉस करना इतना इजी हो जाएगा। ये हम लोग पहुँच चुके हैं 43 वापस, यहीं से ये सब शुरू हुआ था और इसका अंत करने हम यहीं आए हैं। हम कोई भी चीज़ जो है वो अधूरी नहीं छोड़ते हैं ना, इसीलिए हमें यहाँ वापस आना पड़ा। यही आए, ऑटो में ही आए, इधर भी रूम लेना, रूम मिल जाएगा। नहीं, होटल वगैरह नहीं, रूम मिल जाएगा सर, 20 रुपये सवारी मिल जाएगी। बारिश हुई है यहाँ पे? बारिश नहीं, धुंध पड़ रही है। अच्छा, नीचे धुंध धुंध, बारिश नहीं हुई। अभी समय आ गया है अलविदा कहने का, अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और ये अभी बस बिल्कुल खाली है। इस बस के लिए मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट किया है यहाँ पे, और फाइनली मिल गई। बाय बाय पंकज। ये हमारी CTU की बस लगी है यहाँ पे, और थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक मिला था। अभी बस में बैठने का टाइम आ गया है,